आप पिछले 15 दिन से लग रहे हैं कि आंदोलन खत्म होगा, आंदोलन खत्म होगा, आंदोलन खत्म होगा, मतलब यही काम है, इस तरह कोई काम नहीं रहा। इतनी मेहनत करते हो भाई, ये जो राजनीति का वो है ना सेहत, उसकी एक चम्मच आप भी लेकर देख लो। आप इतनी मेहनत करते हो, अब के एंकर को चुनाव लड़वाएंगे, हर चैनल के एंकर कोई ना कोई चुनाव लड़वाएंगे। एक साल से ज्यादा समय से चल रहे किसान आंदोलन फिलहाल स्थगित हो चुका है। जानकारी के अनुसार संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान आंदोलन कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया है। 11 दिसंबर बॉर्डर से किसान हट जाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका ऐलान किया। कृषि कानून रद्द होने के बाद से मीडिया में राकेश टिकैत सुर्खियों में रहे हैं और मीडिया द्वारा आयोजित डिबेट का हिस्सा भी रहे हैं। आज की वीडियो में बात हाल ही कुछ डिबेट्स की करते हैं, जिनमें गोदी मीडिया के चैनलों पर राकेश टिकैत डिबेट का हिस्सा बने और करारा जवाब भी दिया। इंडिया टीवी पर राकेश टिकैत का इंटरव्यू हुआ। इस इंटरव्यू में एंकर ने उन्हें बार बार एक बात पर जोर दिया तो राकेश टिकैत ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। अब क्या आप खुलकर कहेंगे कि बीजेपी किसानों के हित के लिए काम कर रही है या उस दिशा में आगे बढ़ रही है? कौन कहेगा अभी खुलकर? आप कह सकते हैं काम करो, इच्छा देखो जनता कहेगी। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जनता कहेगी, जनता को 2 रुपए का लाभ हो जाएगा, कह देगी नुकसान होगा, नहीं कहने की। नहीं, आप कह रहे हैं कि सरकार बात मान भी रही है, राज्य के मसले अलग है, राज्य के मसलों पर भी चर्चा होगी, शामली में आप मीटिंग भी करने वाले हैं, तो लक्ष्य कुछ तो होगा ना राकेश जी? किसानों का फायदा होगा तो फायदा पहुंचाने वाली तो सरकार ही होती है। हाँ, सरकार होती है, धान आधे रेट में बिक रहा है, फसलें MSP पर आधे रेट में बिक रही है, सरकार ही होती है। आप तो मना रहे हैं ना सरकार को, और सरकार मान भी रही है। अरे हम ये कह रहे हैं कि आप कह दो ना जाके। टाइम्स नाउ पर राकेश टिकैत का इंटरव्यू हुआ। इसमें सुशांत सिन्हा ने राकेश टिकैत से उनकी छवि को लेकर बार बार सवाल किया, जिस पर राकेश टिकैत ने सुशांत सिन्हा को चुप करवा दिया। अपनी बैठक थी, कर लिया, उसका जो चिट्ठी है उसका जवाब दे दिया। तो चिट्ठी आई ना सरकार की तरफ से? अरे दे दिया ना, उसका जवाब दे दिया ना, जो चिट्ठी है उसका जवाब दे दिया। उसी जवाब पे चर्चा कर रहा हूँ, आप उस पे घुमा रहे हैं कि भाई मैं जो है उस पे नहीं बोलूंगा। भाई वो हमारी अपनी मीटिंग थी, आप भी इस कार्यक्रम में इसलिए जुड़े हैं ना कि उस पर बात करेंगे। आप बताओ ना, आप पाठशाला का नाम आप बताओ ना, आप अपना क्वेश्चन करो। सर मेरा प्रश्न ये है कि आज जो बैठक हुई उसमें सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव आया, और उसमें क्या दिक्कत लगी कि उस प्रस्ताव को नहीं माना जा सकता? हाँ तो दे दिया ना, उसको प्रस्ताव का जवाब दे दिया सरकार को हमने। थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए भी दे दीजिए, क्योंकि उस प्रस्ताव में ये कहा गया कि हम जो है MSP पर कमेटी बनाने को तैयार हैं। आप भाई आप पिछले 15 दिन से लग रहे हो, आप पिछले 15 दिन से लग रहे हैं कि आंदोलन खत्म होगा, आंदोलन खत्म होगा, आंदोलन खत्म होगा, मतलब यही काम है, इस तरह कोई काम नहीं रहा। आंदोलन खत्म जब होगा, जब हमारी सहमति बन जाएगी। न्यूज नेशन के प्रोग्राम में राकेश टिकैत गए थे, इसमें एंकर ने राकेश टिकैत को अपने सवालों में घेरने की काफी कोशिश की, पर राकेश टिकैत ने उनके सवालों पर करारा जवाब दिया। तो फिर आप MP MLA बनके काम ना, हमें नहीं जाना वहाँ पे, जाने में क्या बुराई है टिकैत ना? अब के एंकर जाएंगे उसमें, हमने डिसाइड करा कि अब के एंकर जाने चाहिए, वे सबसे ज्यादा क्वेश्चन करे। नहीं क्वेश्चन कर, अरे जाना चाहिए ना भाई, अब के एंकर का ठीक मौका है। आप अनाज उगाते हैं, आप उसको बेचते हैं, आपको उसकी तनख्वाह मिलती है। अरे आप इतनी मेहनत, आप इतनी मेहनत पैसे कमाते हैं, आप उतनी मेहनत भी नजर लगा रहे हो। आप उतनी मेहनत करते हो भाई, ये जो राजनीति का वो है ना सेहत, उसकी एक चम्मच आप भी लेकर देख लो। आप इतनी मेहनत करते हो, आपने तो ली है ना चम्मच? हमने ली, कड़वी थी। कड़वी थी तो मैं कह रहा हूँ की अब मीठी हो जाएगी। मीठी नहीं है अब तो भाई, गन्ना की बात हो रही है। तजर्बा गन्ना तो मीठा होता है। पॉलिटिकल तजर्बा ले लिया हमने, हमको देश ने कहा कि आंदोलन करो, इलेक्शन में मत जाओ, हमने जनता की बात मान ली। आपका जिस जिसको तजर्बा लेना भाई वो चले जाओ। इंडिया टीवी को दिए इंटरव्यू में भी राकेश टिकैत ने किसान मोर्चे की मांगे एंकर के सामने रखी, पर एंकर ने राकेश टिकैत को उनके सवालों पर जवाब देने पर जोर दिया तो राकेश टिकैत ने भी इसका करारा जवाब दिया। तो विधानसभा चुनाव सामने है, कोई किसान अगर चुनाव लड़ेगा किसानों के हित की बात होगी। सड़क की आवाज संसद तक जल्दी जाती है। मतलब आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? ना मैं नहीं लड़ रहा, अब के एंकर को चुनाव लड़वाएंगे, हर चैनल के एंकर कोई ना कोई चुनाव लड़वा। राकेश जी हम आपकी बात कर दे रहे हैं, हम इसी में बहुत खुश हैं, हम सरकार की बात आपको बता दे रहे हैं, उसमें भी हम बहुत खुश हैं।
लेकिन आप ये बताएं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में कौन सी पार्टी का थोड़ा दमखम दिखाई दे रहा है? हमें नहीं पता, हम कोई उसके चुनावी ज्योतिषी हैं, हम ज्योतिषी कि कौन सी पार्टी ठीक लड़ रही, कौन सी लड़ रही, लेकिन आप आंदोलन का बता सके, आंदोलन हमारा ठीक चल रहा है। राकेश टिकैत के डिबेट पर आप अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहे पंजाब टुडे के साथ। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।